जिस दिन कयामत के दिन लोगों के दिल मुर्दा हो रहे होंगे उसकी हवलनाकियों की वजह से, उसकी भयानकता की वजह से दिल मर रहे होंगे, उस दिन अल्लाह उन बंदों की दिलों को जिंदा रखेगा जो ईद की रातों को जिंदा रखेंगे। अब वो कैसे? गोश्त की लाइन में, दूध की लाइन में जिंदा रखेंगे? अल्लाह के जिक्र से, उसके हबीब के जिक्र से। तो कुछ ऐसा करो कि उस रात में भी जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल रख दो, कुरान करीम की तिलावत करो, सूरह यासीन की तिलावत करो, सूरह फतह की तिलावत करो, सूरह वाकया की तिलावत करो, दुरूद शरीफ की महफिल करो, जिक्र की महफिल करो, दुआ की महफिल करो। कुछ नहीं तो कम से कम दो रकात ही पढ़ लो, दो ही रकात, दो रकात, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, दो रकात ही सही पढ़ लो। वो भी नहीं हमसे होता, कितना टाइम लगता है दो रकात पढ़ने में, लेकिन वो भी हमसे नहीं होता। होता है ईद की रात में कभी पढ़ी? इल्ला माशाल्लाह, एक आध दो कोई होगा तो होगा, उसके अलावा सब धाक के तीन पात हैं। बदलो इसको, दिल जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। करोगे? अपने घर वालों को उठाओ, बोलो ये रात सोने की नहीं है, ये रात दिल को जिंदा करने की है।